टमाटर की प्राइस देखते हैं ना इंडिया से ज्यादा है क्या। हेलो गाइस, तो अभी हम पहुंच चुके हैं इंटरलेकन और यहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है, काफ़ी ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है और हम अपना छाता लाना भूल गए हैं और बहुत ज़्यादा ठंड है। ऑल्दो मैं तो एक स्वेटर लाई थी, स्वेटर पहन कर आया है, बट जापान तो सिर्फ शर्ट में आया है और बहुत ज़्यादा शर्ट भीगे हो गए हैं, शूज़ पहन जाने चाहिए। बस भी नहीं खोला है हमारे, जो बंदा है हमारा जो बस का गाइड है सैंटियागो, बहुत ही खराब इंसान, बस का गेट भी नहीं खोल रहा, हम खड़े हैं बेचारे बारिश में। ये आ चुकी है लता, लता नहीं एक थी। हमारा बस वाला अभी भी गेट नहीं खोल रहा, लोग परेशान हो चुके हैं, महंगे महंगे छाते खरीद चुके हैं, तीन तीन चार चार छाते हो चुके हैं लोगों के पास, इंडिया जाके छाते बेच के पैसे कमाएंगे। अब लोग जा रहे हैं सैंटियागो ने बोला है पांच, और आंटी जी गीली हो गई दो छाते खरीदने के बाद भी, और गाइस मुझे ब्लॉगिंग नहीं आती, मैं नूबड़ हूँ। अब देखो मैं जाने वाली हूँ बहुत तेज भाग कर, बट हाँ अरे मैं गीली नहीं हो सकती और पहले ही ठंड लग रही थी, मुश्किल से थोड़ा सूखे हैं। गाइस अब हम भाग कर जाएंगे, उसका हम ब्लॉग नहीं बना सकते वरना हमारा फोन गीला हो जाएगा, पहले हमारी गरीबी में आटा गीला हो चुका चतरी चतरी महंगी। अरे मैं बताती हूँ, कल लेके भी बिक गए कोई फायदा नहीं हुआ। कल मेरे को पानी पीना था, होटल में पानी खत्म हो गया, मैंने फोन करके पूछा, मैंने सोचा या तो फ्री देंगे, फिर मैंने पूछा तो सोचो कितने रुपए का पानी था, 1800 रुपए का पानी गले से ना उतरे। हमें $10 का तो पानी था और $8 की ट्रे, $10 का पानी $8 की ट्रे। भाई मुझे ट्रे नहीं चाहिए, इनको समझ नहीं आ रहा कि इतने फैंसी लोग नहीं है हम तो ओक से पानी पी लेते हैं। अभी हम ग्रिंडरवाल्ड की गलियों में घूम रहे हैं और हम लंच के लिए अभी रेस्टोरेंट ढूंढ रहे हैं। इंडिया का झंडा मिल चुका है हमें स्विट्जरलैंड के अंदर। इंडियन रेस्टोरेंट ही होगा तभी इंडिया का झंडा लगा रखा है। हम कॉफी लेने आए हैं, एग्जैक्ट जगह भाई जो होती है पिक्चरों में जो दिखाते हैं भाई। सो प्रिटी, हम यहाँ पे पिज्जा खाने आए हैं लंच करने और ये पिज्जा जो हमने ऑर्डर करा है वो कितने का है बताना चाहेंगे आप? 27 यानी कि 2700 रुपए का पिज्जा कर लो, 90 कर लो, ज्यादा महंगा नहीं है, कोई बात नहीं। एंड इस कैफे में यहाँ पे है वॉशरूम एंड वी हैव अ ग्रेट व्यू व्हेन वी ओपन द डोर। ओ माय गॉड, मतलब वॉशरूम जाने के लिए भी इतना ज़्यादा सुंदर व्यू है। ये देखो कितना ज़्यादा सुंदर, और अभी भी थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है। मेरा ऊपर पिज़्ज़ा खाने जाने का मन ही नहीं कर रहा, मेरा मन कर रहा है यहीं रह जाऊँ मैं, क्योंकि इतना ज़्यादा सुंदर है। बट फिर से मुझे ठंड लग रही है इसलिए मुझे जाना पड़ेगा ऊपर, खोलते हैं फिर से ऊपर सीढ़ियों से। And open the door and we are back into the cafe. A big mirror, this is me. यहाँ पे पोशंपा भाई पोशंपा खेला जा रहा है। लड़के तो भाई खेल रहे हैं, और लड़के फुटबॉल खेलते हुए और लड़कियां झूला झूल रही हैं। अरे चले गई एक लड़की फुटबॉल खेलने गई है, एक लड़की गई है फुटबॉल खेलने, दो लड़कियां हमारी चोरियां से कम नहीं है। अरे लड़ली और अब हम आ चुके हैं स्विट्जरलैंड के डीमार्ट में, मतलब सुपरमार्केट स्विट्जरलैंड का। तो ये है 300 रुपये मुझे प्राइजेस देख लो भाई, ये क्या है? ये नाशपाती है, ये 550 रुपए की। वेरी गुड, 5 स्विस फ्रैंक। प्याज का प्राइस भी देख लेते हैं, प्याज है क्या यहाँ पे? प्याज बिकते हैं क्या स्विट्जरलैंड में? प्याज
तो खाते ही लोग। ये तो कुछ अलग ही है, टमाटर की प्राइस देखते हैं ना, इंडिया से ज्यादा है क्या? ज्यादा ही होगी वैसे तो, हो सकता है भाई टमाटर की प्राइस इंडिया से कम मिल जाए यहाँ पे। टमाटर ही नहीं दिख रहा पहली बात तो। अच्छा हाँ, ये फ्रूट्स का सेक्शन देख लो भाई, हम स्विट्जरलैंड में आके आपको सुपरमार्केट दिखा रहे हैं, ये तो कोई ब्लॉगर नहीं दिखाता होगा। यहाँ पे होंगे ना टमाटर, टमाटर की प्राइस देखनी होगी यहाँ पे, टमाटर भी सुंदर है यहाँ पे तो। ओहो 5.99 रुपीज। हाँ हाँ एक किलो ठीक है, 4.95 शेंगेन, ओ सॉरी एक केजी 4.95 यूरो का है। यूरो नहीं, स्विस फ्रेंच है, ठीक है स्विस फ्रेंक। कुछ खरीदना हो तो बता देना। कुछ नहीं खरीदना हमने यहाँ से, अपना तो वही रिलायंस फ्रेश। देखते हैं कि यहाँ पे इंडिया के कोई प्रोडक्ट्स हैं क्या जो इंडिया में भी मिलते हैं और उनका प्राइस क्या है। फॉर एग्जांपल देखते हैं नीविया मिलती है क्या, देखते हैं नीविया कितने का, 3.60 का है, यानी कि 300 रुपये, 350 रुपये की नीविया की बोतल, ये तो सस्ती है। हाँ ठीक है, मतलब इतने का ही बात होगा अपने भी लगभग। तकरीबन 250 रुपए का होगा ये, जो की सही है, ठीक है यहाँ पे इनके हिसाब से सही है। ये सब तो सही है, इंडिया में तो 50 रुपए का साबुन मिलता है। मेकअप आइटम तो ये मेरे पास है, इसका प्राइस आई थिंक 250 300 होता है। कितने का ये है? 22.95 का है, मतलब ये 2200 रुपए का है भाई साहब। और ये 380 का आता है, मैंने रिसेंटली होने लगा था, 380 का आता है इंडिया में, 380 या 280 का आता है, व्हिच इज वेरी गुड। गाइस ये देखो कितना ज्यादा सुंदर है भाई, ओ भाई शिट मैन, अबे क्या लग रहा है देख, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ये बादल नहीं है, ये भाई नेक्स्ट लेवल है यार स्विट्जरलैंड तो। यस, जैसा वीडियोस में दिखता है ना उससे भी ज्यादा सुंदर, बहुत बहुत ज्यादा सुंदर। वीडियो में तो सही से कैप्चर भी नहीं हो पा रहा इतना सुंदर। हाँ, वीडियोस जस्टिफाई नहीं कर सकते स्विट्जरलैंड की ट्रू ब्यूटी को।